हेलो गाइस, मैं हूं विक्की, आपका स्वागत है मेरे नए एक और वीडियो में। तो भाई आज हम करने वाले हैं अपनी भाई किया सेल्टोस में। भाई आपको पता ही होगा इसमें आता है भाई वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले। तो आज हम वही टेस्ट करने वाले हैं कि भाई कैसे वो वर्क करता है, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो मैं सारे आपको बताऊंगा। तो भाई उसके लिए भाई देखो, अभी मैं एप्पल से तो शूट कर रहा हूँ तो एंड्रॉइड फोन है मेरे पास, तो भाई अभी मैं एंड्रॉइड से दिखाता हूँ कि एंड्रॉइड ऑटो भाई कैसे आप वायरलेसली यूज कर सकते हो अपनी किया सोनेट में। और भाई चलो एक बार इसके मैं बता देता हूँ क्या क्या मिल जाए। देखो ऑल मेन्यूज पे जाके भाई यहाँ पे आ जाता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले। क्यों अभी ये इसलिए ऐसा है, मतलब कि एक जैसे बोलते नहीं तो सारे अभी क्योंकि फोन ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं है तो इसलिए भाई ये शो नहीं हो रहे हैं। तो जैसे ही फोन ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा तो ये ऑटोमेटिकली शो होने स्टार्ट कर देंगे। तो हम चलो वही बात करते हैं एक बार करके। तो भाई पहले हम देखो, मैंने सबसे पहले जो स्टेप रहेगा भाई, आपको ना अपना फोन पहले ब्लूटूथ से कनेक्ट करना पड़ेगा इससे। तो जब वो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा तब जैसे ही ये फोन है भाई, देखो मेरे पास ये फोन है, तो भाई इसको ना, तो भाई देखो अभी तो इसमें देखते हैं, देखो कनेक्टेड आ रहा है ब्लूटूथ। तो भाई अभी वाईफाई ऑन है तो इसके लिए आपको पहले भाई ब्लूटूथ से कनेक्ट हो चुका है क्या ये, पहले मैं वो दिखा देता हूँ आपको। ब्लूटूथ से डिवाइस कनेक्शन डिवाइस अभी पोको से कर लेते हैं भाई, ये कनेक्ट है भाई, ये कनेक्ट हो रखा है ये पहले ही। तो अब हमें भाई मतलब कि वायरलेसली कनेक्ट करना है, पहले वाईफाई ऑन करना पड़ेगा इसका। भाई वाईफाई ऑन हो गया है और रुको, देखो यहीं आ जाता है आपका लिखा एंड्रॉइड ऑटो इज अवेलेबल, यहाँ पे आ जाए टू कॉन्टैक्ट्स, यहाँ से मेन्यूज पे जाओ, रुक जाओ यार यहाँ से पर आ ही नहीं रहा है, पता नहीं भाई क्या। तो भाई सबसे पहले क्या करना है भाई, आपको अपना फोन का ब्लूटूथ ऑन करना है। मैंने पहले से कनेक्टेड कर रखा है तो भाई ये पहले ही कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने भाई पहले से कनेक्टेड है मेरा फोन। तो जैसे कनेक्ट हो गया भाई, ये देखो अपने आप आ गया भाई इसमें कि एंड्रॉइड ऑटो, आप या तो भाई यहीं से कनेक्ट कर लो एंड्रॉइड ऑटो, नहीं तो एक आता है भाई यहाँ पे देखो एंड्रॉइड ऑटो इज कनेक्टेड। तो वैसे ये भी करोगे तो हो जाएगा, नहीं तो भाई यहाँ से एंड्रॉइड ऑटो कर दो तो भाई आपका कनेक्ट है। सिंपली कुछ नहीं करना है भाई इसमें, बस आपका फोन उससे कनेक्ट होना चाहिए, पेयर होना चाहिए मतलब ब्लूटूथ से। उसके बाद तो यहाँ पे जब शुरू शुरू में करोगे तो भाई एक बार आएगा कनेक्शन का कि कनेक्ट करने के लिए अवेलेबल फॉर ब्लूटूथ वो वाईफाई, तो आप कर देना यहाँ से वाईफाई, तो ये ऑटोमेटिकली अगली बार से अपना आप यहाँ पे आपको एप्पल कार प्ले दिखा देगा। तो ये छोटा सा काम था इसका, मतलब बहुत इजी टू यूज है, तो आप इस फीचर को कर सकते हो, तो ऐसे आप वाईफाई से चला सकते हो।